गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार कुमावत जीत ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में बेटा अपन ने ए बॉय सॉन्ग एक पोइम पढ़ी थी, उसका एक स्टेंजा अपन ने पढ़ा। अब सेकंड स्टेंजा आज अपन देखने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखें और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सेकंड स्टेंजा बेटा क्या है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा पोइट आगे क्या कह रहा है बेटा वो देखें। फ्रॉम द, और ये बेटा जी मैंने लिख दिया ब्लू टिट ऑन द स्लो, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट अनकेज्ड अनकेज्ड they come and go for my delight। तो बच्चों ये अपना सेकेंड स्टेंजा है। इस सेकेंड स्टेंजा को अपन आज बेटा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस स्टेंजा के थ्रू अपने पोइट विल्फर्ड विल्सन गिब्सन क्या कहना चाह रहे हैं वो अपन देख लेते हैं। यहां पर पोइट क्या कहना चाह रहे हैं बेटा कि फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, स्लो बेटा स्लो का मीन्स क्या होता है बेटा, बुश, बुश जानते हैं ना आप, झाड़ी। स्लो का मीन्स क्या होता है बेटा, झाड़ी। और ब्लूटिट जो है बेटा, ब्लूटिट इज अ काइंड ऑफ स्मॉल बर्ड, एक प्रकार का छोटा कोई पक्षी होता है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, ब्लूटिट बोल सकते हैं। और ब्लूटिट जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में उसको राम गंगरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, राम गंगरा, ठीक है। तो यहां पर पोएट ने क्या लिया है बेटा कि फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, कि झाड़ी के ऊपर बैठी हुई, बुश के ऊपर बैठी हुई ब्लूटिट से लेकर राम गंगरा चिड़िया से लेकर, मैं फिर से बताना चाहूंगा, झाड़ी के ऊपर बैठी हुई राम गंगरा चिड़िया से लेकर टू द ईगल, ईगल आप जानते हैं चील, चील जानते हैं ना आप ईगल, ठीक है, टू द ईगल ऑन द हाइट, हाइट आप सब जानते हैं ऊंचाई, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट क्या कहना चाह रहा है दो पॉइंट्स के थ्रू कि झाड़ी के ऊपर बैठी हुई राम गंगरा चिड़िया से लेकर ऊपर ऊंचाई में उड़ते हुए ईगल तक, ईगल तक अनकेज्ड, ये दोनों ही पक्षी क्या बता रहा है कवि यहां पर, इन दोनों पक्षियों को क्या बता रहा है, अनकेज्ड बता रहा है, पिंजरा मुक्त बता रहा है कवि का। तो कहने का मतलब है द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट दीज टू बर्ड्स आर अनकेज्ड, they are uncaged so they are able to sit on the snow and fly in the height। तो कवि यहां पर बेटा अपने वो कहना क्या चाह रहा है कि जो ब्लूटिट है वो तो कहां पर बैठी हुई है, एक बुश पे बैठी हुई है, एक झाड़ी पे बैठी हुई है, और अपना जो ईगल है, अपना जो चील है वो कहां पे उड़ रहा है बेटा, ऊंचे आसमान में उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये सॉरी उड़ क्यों पा रहा है ये, क्योंकि ये क्या है बेटा, अनकेज्ड है। और यहां पर ये ब्लूटिट जो है वो झाड़ी के ऊपर क्यों बैठी है, क्योंकि ये भी क्या है, अनकेज्ड है। कम एंड गो, आगे पॉइंट क्या कह रहा है कि ये दोनों पक्षी, दे किसके लिए है बेटा, यहां पर ब्लूटिट और ईगल के लिए है, क्या बोल रहा है कि दे कम एंड गो, कि वे आते हैं और चले जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए ही आते हैं और मेरी खुशी के लिए ही चले जाते हैं। कवि यहां पर कहना क्या चाह रहा है कि झाड़ी के ऊपर बैठी हुई राम गंगरा चिड़िया से लेकर ऊंचे आसमान में उड़ते हुए चील तक ये दोनों के दोनों पक्षी क्या हैं, अनकेज्ड है। ये दोनों पक्षी मेरी खुशी के लिए ही आते हैं और मेरी खुशी के लिए ही चले जाते हैं। यहां पर देखने वाली बात है कि ये वर्ड दे रखा है एक माई, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि माई वर्ड किसके लिए रेफर हुआ है, तो
यहां पर माई किसके लिए आया बेटा, पोइट के लिए आया है, ठीक है। डिलाइट जो होता है, डिलाइट को खुशी, जिसको मैं हैप्पीनेस भी बोल सकता हूं, राइमिंग वर्ड है। उम्मीद है आपको राइम स्कीम निकालना तो आता होगा, ठीक है। तो यहां पर इन दीज पर्टिकुलर लाइन द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट देयर इज ए स्मॉल बर्ड नेम्ड ब्लू टिट विच इज सिटिंग ऑन ए स्लो एंड एन ईगल एंड ईगल इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। दीज आर एबल टू डू सो बिकॉज दे आर अनकेज्ड। द पोइट फर्दर सेज दैट दीज बर्ड्स कम एंड गो फॉर हिज डिलाइट। तो बेटा ये तो यहां पर मैंने इस स्टेंजा को एक्सप्लेन किया। अब इस स्टेंजा के नीचे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, क्योंकि अपने एग्जाम में क्या आते हैं, बेटा स्टेंजा दिए हुए आते हैं और उन स्टेंजाज के नीचे दो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दो दो नंबर के पूछे जाएंगे, चार नंबर के पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या बन सकता है वो अपन देख लेते हैं। मैं यहां पर लिख दूं विच बर्ड इज On the slope, which bird is on the slope? कौन सा पक्षी, ठीक है, स्लो के ऊपर बैठा हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उम्मीद है आप लोग सब जानते होंगे कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप सब सोच रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर यहाँ पर इसे, ठीक है, लाइन का आंसर क्या होगा बेटा, ब्लू टिट ही होगा। बट अपने को केवल ब्लू टिट लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लेना होगा। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा बर्ड स्लो के ऊपर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपने, ठीक है, द, और ये मैंने लिख दिया बेटा जी यहां पर ब्लू टिट इज ऑन द स्लो। ये यहां पर अपन ने आंसर दे दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें दो या तीन, तीन या चार क्वेश्चन अपन बनाने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर आपको बोल दूं, ठीक है, वेयर इज द ईगल। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा कि वेयर इज द ईगल, आपसे पूछा जा रहा है कि ईगल कहां पर है। तो उम्मीद है आपका आंसर क्या होगा, आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आप, इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑन द हाइट। तो ये बेटा जी मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि द ईगल इज ऑन द हाइट, द ईगल इज ऑन द हाइट। ये दो क्वेश्चन के आंसर आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखना, why do all the birds come and go for the poet's delight। बेटा जी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि why do all the birds come and go for the poet's delight, कि सारे के सारे पक्षी जो है वो कवि की खुशी के लिए आते और चले जाते क्यों हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वे क्या है बेटा, अनकेज्ड है। तो इसका आंसर सीधे शब्दों में अपन देना चाहेंगे, क्या लिखेंगे अपन, वाई से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसका आंसर बिकस से देता है, सबको पता होगा। तो अपन सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं, सब्जेक्ट क्या अपने पास, ऑल द बर्ड्स। तो बेटा जी मैंने ये लिख दिया All the birds, ठीक है, और मैं यहां पर लिख रहा हूं come and go, all the birds come and go, और ये मैंने लिख दिया यहां पर for the poet's delight, all the birds come and go for the poet's delight, because main answer ले रहा हूं मैं, मैंने लिखा because दे, ये दे वर्ड मैंने किसके लिए लिया है बेटा, बर्ड्स के लिए लिया है, बिकॉज दे आर अनकेज्ड। मैंने बेटा यहां पर क्या लिख दिया, बिकॉज दे आर अनकेज्ड। उम्मीद है
कि आप लोगों को ये जो मैंने स्टेंजा आज समझाया, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस पोएम का जो थर्ड स्टेंजा है वो पढ़ने के लिए जुड़े रहिए आप मेरे साथ, और हमारे ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है ठीक है कि आप मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक से संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।